नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y15C वर्सेस Motorola G31 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Y15C में 6.45 इंच जबकि Moto G31 में 6.35 इंच की लेंथ मिलती है जो कि Y15C से कम है। विड्थ की बात करें तो Y15C में 2.96 इंच जबकि Moto G31 में 2.94 इंच की विड्थ मिलती है जो कि Y15C से कम है। बात करें थिकनेस की तो Y15C में 0.32 इंच जबकि Moto G31 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि Y15C से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Y15C में 179 ग्राम जबकि Moto G31 में 180 ग्राम का वेट देखने को मिलता है जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Y15C में IPS LCD जबकि Moto G31 में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Y15C में 6.51 इंचेस जबकि Moto G31 में 6.4 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Y15C में 720x1600 और Moto G31 में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Y15C में 83.02% जबकि Moto G31 में 82.24% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Y15C में 270 पिक्सल प्रति इंच जबकि Moto G31 में 411 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Y15C में दो कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Moto G31 की बात करें तो इसमें तीन कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Y15C में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि दो डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Moto G31 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Y15C में पावर GE8320 जबकि Moto G31 में Mali G52 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Y15C में MediaTek Helio P35 और Moto G31 में MediaTek Helio G85 मिलता है। बात करें RAM की तो Y15C में 3 GB की RAM मिलती है जबकि Moto G31 में दो वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4 GB, 6 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Y15C में 32 GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Moto G31 में दो वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 64 GB, 128 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1 TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Y15C में Android V12 जबकि Moto G31 में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही दो कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Y15C में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है
जो कि 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ 10,377 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें मोटो G31 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो Vivo Y15C में 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Motorola G31 की तो उसमें 4 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Moto G31 आगे है, मेन कैमरा में Moto G31 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Moto G31 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 9 Pro 5G है, दूसरा Xiaomi Redmi 10A है, तीसरा Realme C21Y है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y21A है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।